नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13. फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम. दोनों मेथड से हमें इसे फैक्टराइज करना है. क्वेश्चन नंबर 13. 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5. अगर हम इसे स्प्लिटिंग टर्म मेथड से पहले सॉल्व करें तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आना चाहिए, 6 इंटू 5 30 कॉन्स्टेंट टर्म इंटू कॉफिशियंट ऑफ x स्क्वायर, और ऐड करने पे क्या चाहिए, कॉफिशियंट ऑफ x दैट इज प्लस के 17. अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे. फैक्टर्स ऑफ 30, 1 इंटू 30, 2 15s आर, 3 10s आर, 5 6s आर, दीज आर पॉसिबल फैक्टर्स. 30 चाहिए हमें प्लस के, तो दोनों टर्म्स पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव भी हो सकती हैं, तब भी हमें आंसर पॉजिटिव मिलेगा मल्टीप्लाई करने पे. नाउ अब हमें चेक करना है इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जिन्हें हम ऐड करें तो प्लस के 17 मिले. 30 प्लस 1 31, 15 प्लस 2 इज 17. तो दिस इज द फैक्टर. मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 6x स्क्वायर, 17x की जगह क्या लिखेंगे, 2x प्लस 15x प्लस 5. फर्स्ट टू टर्म्स में से अगर हम देखें 2 और x कॉमन आ रहा है, 2 3s आर 6, x स्क्वायर में से एक x कॉमन, तो एक यहां पे आ गया, साइन है पॉजिटिव, 2x कॉमन तो क्या बचा, 1. इन दोनों टर्म में देखें 5 इज कॉमन, 5 3s आर 15, 5 1s आर 5, 3x प्लस 1 एक कॉमन फैक्टर है और दूसरा फैक्टर आ गया 2x प्लस 5. सो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हमने इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए. दोबारा से बता रही हूँ, मल्टीप्लाई करने पे कॉन्स्टेंट टर्म इंटू कॉफिशियंट ऑफ x स्क्वायर 30 चाहिए, ऐड करने पे कॉफिशियंट ऑफ x प्लस के 17 चाहिए. हमने फैक्टर्स लिखे 30 के, 1 इंटू 30, 2 15s आर, 3 10s आर, 5 6s आर 30. प्लस के 30 चाहिए तो दोनों फैक्टर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी पॉजिटिव. नाउ हमें चेक करना है दो इन सभी फैक्टर्स में से कौन से ऐसे दो फैक्टर्स हैं जिन्हें हम ऐड करें तो प्लस के 17 मिले. 30 प्लस 1 इज 31, तो ये तो नहीं है. 2 और 15 को हमने ऐड किया तो मिला 17. तो मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, 17x की जगह हमने क्या लिखा, 2x प्लस 15x. फर्स्ट टू टर्म्स में से 2x कॉमन है, 2 3s आर 6, x स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया और एक ब्रैकेट में प्लस, ये पूरी टर्म बाहर है ब्रैकेट के, तो यहाँ क्या बचा, 1. इन दो टर्म्स में से 5 कॉमन, 5 3s आर 15, x पॉजिटिव साइन, 5 1s आर 5, ये ब्रैकेट कॉमन है, 3x प्लस 1, नेक्स्ट बची 2x प्लस 5. अब हम करेंगे बाय फैक्टर थ्योरम. बाय फैक्टर थ्योरम, अब हमें फैक्टर थ्योरम से फैक्टर्स फाइंड करने हैं. इक्वेशन हमारे पास है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5. इसके लिए जो x स्क्वायर का कॉफिशियंट है वो 1 होना चाहिए, तो हमने 6 कॉमन लिया, मीन्स जो भी पॉलिनोमियल गिवन थी उसे 6 से डिवाइड कर दिया, प्लस 17 अपॉन 6x प्लस 5 अपॉन 6. इसको मैंने लिख लिया 6 इंटू ये वाली पूरी पॉलिनोमियल को मान लिया px. अगर a एंड b, इफ a एंड b आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, अगर px की जीरोज है तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, x माइनस a, x माइनस b, अगर a और b जीरोज है. अब मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या चाहिए, अब हम देखेंगे कॉन्स्टेंट टर्म. कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, 5 बाय 6, और 5 बाय 6 के पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म जो भी होगी उसके हम पॉसिबल फैक्टर्स देखेंगे 5 बाय 6. अगर हम 5 के फैक्टर्स देखें, 5 के तो दो ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड 5, सो 1 और 5,
6 का फैक्टर 1 इंटू 5 बाय 6 तो हो ही सकता है 1 इंटू 5 बाय 6। अब 5 के पॉसिबल फैक्टर 1 एंड 5 और 6 के पॉसिबल फैक्टर्स 1 इंटू 6 या 2 3 जार 6, तो मैंने यहां लिख दिया 2, यहां लिख दिया 3, यहां लिख दिया 3, यहां लिख दिया 2। यही तो पॉसिबल फैक्टर्स आएंगे 5 अपॉन 6 1 इंटू 5 बाय 6, 1 अपॉन 2 इंटू 1 बाय सॉरी 1 बाय 2 इंटू 5 बाय 3, 1 अपॉन 3 इंटू 5 बाय 2। और हमें चाहिए प्लस के, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तो प्लस माइनस लग सकते हैं दोनों के साथ। यही पॉसिबल फैक्टर्स आए, मैंने इसको इस तरह से लिख लिया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि इनमें से कौन से फैक्टर को मैं पॉलिनोमियल पी एक्स में पुट करूं तो आंसर जीरो आ जाए। सो कोई भी हम चेक कर सकते हैं, मैंने सपोज किया माइनस वन अपॉन थ्री, क्योंकि मैंने माइनस का ही फैक्टर पुट क्यों किया, पॉजिटिव भी करके देख सकती थी, कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूं सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं, अगर मैं कोई पॉजिटिव फैक्टर पुट करूंगी तो पॉजिटिव पॉजिटिव सभी टर्म्स ऐड ही होंगी तो जीरो नहीं आएगा, तो इसलिए हमने नेगेटिव का फैक्टर पुट करके देखा, माइनस वन अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस 17 अपॉन 6 इंटू माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 6, 1 अपॉन 9 माइनस 17 अपॉन 18 प्लस 5 अपॉन 6। एलसीएम लेंगे 6 9 एंड 18, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 6 are 18, 2 1s are 2 3s are 6, 3 3s are 9, 2s are 18, 18 आ गया एलसीएम। 18 को डिवाइड किया 9 से, 2 2 इंटू 1 माइनस 17, 6 से किया 3, 5 3 इज 15, 15 प्लस 2 17 माइनस 17 अपॉन 18, तो आंसर आया 0। तो एक तो इसका फैक्टर मुझे मिल गया, a की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 3। नाउ क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो फैक्टर्स होंगे, हम यहां पे भी इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से भी फाइंड कर चुके हैं, है ना। नाउ इसके बाद दूसरा फैक्टर फाइंड करेंगे इसी तरह हिट एंड ट्रायल मेथड से। अब मैंने p माइनस 1 अपॉन 3 पुट किया था, अब मैंने माइनस 5 अपॉन 2 पुट कर दिया, आप कोई भी पुट करके देख सकते हो कि कौन सा होगा, ठीक है। माइनस 5 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 17 अपॉन 6 इंटू माइनस 5 बाय 2 प्लस 5 अपॉन 6, 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 6 2 आर 12, 17 5 आर 85 प्लस 5 अपॉन 6। एलसीएम लेंगे 4 6 एंड 12, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 2 6 आर 12, 3 12, 12 को डिवाइड किया 4 से, 3 25 इंटू 3, 12 को डिवाइड किया 6 से, 2 5 2 आर 10, 75 प्लस 10 85 माइनस 85 0। तो दो फैक्टर्स आ गए, कौन कौन से, x माइनस माइनस 1 अपॉन 3, 6 इंटू पी एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस माइनस 5 अपॉन 2। सो x माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 2। एलसीएम लेंगे 3x प्लस 1 अपॉन 3, 2x प्लस 5 अपॉन 2, 3 2 आर 6 ये कैंसिल हो गया, तो फैक्टर्स आए 3x प्लस 1, 2x प्लस 5। तो अगर हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से देखें और फैक्टर्स थ्योरम से भी देखें, दोनों केसेस में जो फैक्टर्स हैं वो सेम होंगे। मैं एक बार दोबारा से बता रही हूँ, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे हमें वो टर्म चाहिए, ऐड करने पे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो हमारे पास 30 आया था, मल्टीप्लाई करके हमने 30 के सभी पॉसिबल फैक्टर्स लिखे। उसके बाद हमें चेक करने कौन से दो ऐसे फैक्टर्स है जिन्हें हम ऐड करें तो हमें मिले 17, तो वो थे 2 एंड 15। तो हमने मिडल टर्म में 17x की जगह लिख दिया था 2x प्लस 15x। फर्स्ट टू टर्म्स में से जो भी कॉमन आया, नेक्स्ट टू में से कॉमन आया,
एक जो ब्रैकेट में टर्म है वो सेम होगी, तो एक कॉमन फैक्टर आ गया और दूसरा फैक्टर आ गया। अब हमें करने बाय फैक्टर थ्योरम इसे सॉल्व। फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होना चाहिए 1, तो यहाँ पे है 6, तो हमने 6 ले लिया कॉमन, तो 17/6 5/6। इस पूरी ब्रैकेट को हमने मान लिया पॉलिनोमियल px। अगर a और b जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, तो फैक्टर्स क्या होंगे, x माइनस a, x माइनस b। अब हमें देखने यहाँ पे पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर्स देखने हैं। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 5/6, तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे, 5 के 1 एंड 5, 6 के 2 एंड 3, सो 1 5/6 ये भी हो सकता है, 1/2 × 5/3, 1/3 × 5/2। अब मुझे चेक करना है इन पॉसिबल फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर ऐसा है जिसे मैं पॉलिनोमियल px में पुट करूं तो आंसर 0 आ जाए। तो मैंने अगर देखा कि जो पॉलिनोमियल उसमें सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो इट मींस मुझे जो फैक्टर पुट करना होगा वो नेगेटिव वाला पुट करना होगा ताकि आंसर 0 आए। तो मैंने पुट किया -1/3, -1/3 px में पुट किया, आंसर आया 0। नेक्स्ट पुट किया -5/2, तब भी आंसर आया 0। तो यहाँ से 6 × px x माइनस ए x माइनस बी, माइनस माइनस प्लस एलसीएम लिया, 3x + 1 2x + 5। अगर आपको सभी फैक्टर्स फाइंड करने पड़े तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन आप चेक कर सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने स्प्लिटिंग मेथड से भी किया था। वहां पे आपके पास फैक्टर्स क्या आए थे, 3x + 1 और 2x + 5। अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखो, यहाँ पे आया x -1/3, ये हमने पुट कर दिया, इसको 0 के इक्वल रखा तो x आया -5/2, वो हमने इस पॉलिनोमियल में पुट कर दिया, क्योंकि दोनों मेथड से फैक्टर्स तो सेम ही आएंगे। चाहे आप किसी भी मेथड से फैक्टराइज करो, मेथड सेम रहेंगे, जो फैक्टर्स है उसके सेम आएंगे, मेथड कोई भी हो। तो इसलिए हम यहाँ से भी स्प्लिटिंग द टर्म मेथड से भी फैक्टर चेक कर सकते हैं कि कौन से फैक्टर को पॉलिनोमियल में पुट करने पर आंसर 0 आएगा। तो यहाँ से हमने देखा x -1/3 हमने पुट कर दिया, यहाँ से दूसरा फैक्टर था x -5/2 वो भी पुट कर दिया, तो आंसर आ रहा है 0। क्योंकि चाहे हमने स्प्लिटिंग मेथड से किया चाहे फैक्टर थ्योरम से किया, फैक्टर्स आर सेम।